हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मैं कुकर में आलू उबाल रही हूँ, तो मतलब आलू उबालने उबल गया है, तो आज मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो बस आज मैं यहीं से वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो चाय वगैरह मैंने पी लिया है और आलू को छील के रख लिया है, तो ये कढ़ाई चढ़ा दिया और ये सब्जी बिल्कुल झटपट बन जाती है। और जीरा और लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेज़पत्ता, ये सब मैंने डाल के और आलू को कट करके डाल दिया है। और सिंपल सी ये सब्जी है, लेकिन बहुत चटाकेदार लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा तो बार बार खाइएगा। और ना ही इसमें प्याज, ना ही लहसुन और कुछ भी, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। हल्के फुल्के मसाले और इस ये पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, मतलब सबके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चों का तो फेवरेट है ये सब्जी। और पूड़ी कचौड़ी मैं बना देती हूँ इसके साथ, अब तो वो लोग बहुत, मतलब तुरंत सब्जी मेरी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर ये सब्जी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को पसंद है और सबको मेरे घर में पसंद है, लेकिन बच्चे लोग थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है उन लोगों को। तो बस मेरी ये आलू थोड़ा सा मैं भून लूँगी और उसमें जीरा थोड़ा सा, गोलकी और धनिया और हल्दी, यही सब जो मसाले हल्के फुल्के जो रेगुलर मसाले रहते हैं वही है। ना ही अदरक, और अदरक भी मैंने नहीं डाला है। देखिए, नहीं तो अदरक डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं डाली अदरक, ना ही लहसुन, ना ही प्याज, कुछ भी नहीं डाला। लेकिन ये सब इतना अच्छा लगता है खाने में, मत पूछिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है अब एकदम। और बस ये देखिए, सब थोड़े से गर्म मसाले, थोड़े से चाट मसाला, और चाट मसाला अगर नहीं है तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर है तो वो डाल दीजिए। और बस इसे अच्छे से भून लीजिए और भून के पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और आमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया। और टमाटर कुछ भी नहीं मैंने डाला, देख लीजिए। और फिर उसके बाद मैं इसमें क्या करते हैं, पानी डाल दूँगी। पानी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए ज़्यादा ही मैं डाल दूँ, तब मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपके पास अगर काश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी डाल दीजिएगा, तो और भी टेस्टी लगता है, मतलब देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल। और बस इसी के साथ फिर मैं आटा भी गूंद ले रही हूँ, तो सब्जी उधर बन रहा है, पानी डाल के मैंने छोड़ दिया है। तो बस मैं आटा चाल ले रही हूँ और आटा चाल के बस मैं ये क्या कहते हैं, आटा गूंद लूँगी। तो मैं आटा चाल के ही उस डब्बे में रखती हूँ जो आटा वाला डब्बा है, लेकिन फिर भी मैं चाल लेती हूँ, फिर मेरे मन को तसल्ली हो जाता है ऐसे। और ऐसे ना मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी रखती हूँ तो चाल के ही रखती हूँ और साफ ही रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा मन नहीं भरता है ऐसे। और मैं चाल के और फिर से आटा गूंथती हूँ, हर रोज़ की मेरी यही कहानी है। और बस आटा गूंथ के पूड़ी या रोटी जो भी बच्चे लोगों को पसंद आएगा वही मैं बना दूँगी। तो बस मैं फिल्टर से पानी ले रही हूँ और आटा गूंथ ले रही हूँ। और अब बस आप लोग अपना सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिएगा। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो तो करते रहिएगा। और बस मतलब मेरा, मैं धीरे धीरे ही मतलब बढ़ रही हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे ही बढ़ाइए, लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ाइए ज़रूर। मतलब बड़े चैनल वालों को नहीं, छोटे चैनल वालों को भी थोड़ा सपोर्ट करिए। और बस अभी तो मैं अभी पहला सीढ़ी भी नहीं चढ़ी हूँ, पहला सीढ़ी भी अभी चढ़ने में बहुत टाइम है मेरा। और ये देखिए, अब कुछ ही दिन में होली भी आने वाला है, तो बस मैं मतलब देखिएगा, होली का भी वीडियो मैं डालूंगी, तो देखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग होली मनाते हैं। और बस मैंने आटा गूंद लिया है, तो ये सब्जी मैं देख रही थी, तो मेरी सब्जी भी हो गई है। तो अब मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में तो उतनी ही टेस्टी है। और थोड़ी सी धनिया पत्ता है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन है मेरे पास तो मैंने डाल दिया है। और बस अब धनिया पत्ता वगैरह डाल के और इसे बंद कर दूंगी। और गर्म मसाला हल्का डाल दी थी मैं पहले, वो मैं नहीं दिखाई थी शायद आपको। तो बस अब हो गया, और आलू की सब्जी मैंने बना ली है। तो ये देखिए मेरी आलू की सब्जी, और लाल वाला मिर्च नहीं ना, काश्मीरी मिर्च, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। और रोटी है और आलू की सब्जी चटाकेदार है, और ये टमाटर की चटनी है। तो टमाटर की चटनी मैंने थोड़ा मतलब अलग तरह से बनाया है, तो इसकी भी मैं रेसिपी जल्द ही डाल दूँगी। मैं अभी रेसिपी नहीं डाली हूँ टमाटर चटनी की,
तो डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा। और बस आ जाइए आप लोग भी, एकदम गर्मा गर्म खाना है और टेस्टी भी है, बहुत टेस्टी। और बच्चों लोग के लिए मैंने पूड़ी बनाया है, और ये क्या कहते हैं, मैं तो रोटी ही खा लेती हूँ, और बस रोटी खा के और फिर मतलब कि किचन का जितना भी काम है सब सभी टाइम हो गया है, और 6 बज गए मतलब 5:30 बज गए। और ये देखिए मिठलो हल्ला कर रहा है, तो ये लोग का तो चलते रहता है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि फूल आज खिला हुआ था, तो आज तोड़े नहीं थे हम लोग, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कितना फूल खिला हुआ था। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी 2 फूल है। तो अब गर्मी का दिन आ गया, शायद अब फूल खिलेगा इसलिए। और कपड़े वगैरह तो मैं उठा रही हूँ सारा, तो बस इधर अब शाम का टाइम हो गया, तो अभी सोच रहे हैं कभी पानी थोड़ा डाल देती हूँ, और बस दोपहर का सारा काम भी हो गया है और थोड़ा मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो बस ऐसे ही यहाँ घूम रही थी, और थोड़ा धूप थोड़ा पड़ता है ज़्यादा सुबह में, लेकिन अभी भी ठंडा तो लगता ही है, लेकिन धूप भी पड़ता है। गर्मियों के दिन आ गया तो फूलों का मैं थोड़ा ज़्यादा फूल पौधे जो भी हैं सबके मैं ज़्यादा ही ख्याल रखती हूँ, तो बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा पानी डाल दूँ। शाम तो हो गया है, और सुबह में भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था, और अभी भी मैं डाल दे रही हूँ। तो इसका ना गमला टूट गया है, मतलब बाल्टी में था तो बाल्टी टूट गया, तो ऐसे ही मिट्टी में मैं थोड़े थोड़े पानी डाल दे रही हूँ, और फिर सब सारा बाल्टी वुल्टी जो टूट जाता है मैं उसी में लगा देती हूँ फूल सब, तो अच्छा ही लग जाता है। तो ये देखिए, और गर्मियों के दिन में अपने प्लांट्स का ध्यान तो रखना ही चाहिए, और फिर क्या कहते हैं अपने आंगन में या फिर मतलब छत पे जहाँ भी है, और एक मतलब कि एक मिट्टी का बर्तन या कोई भी चीज़ में पानी रख दीजिए, ताकि चिड़ियाँ पक्षी जो भी है वो भी पी लें, क्योंकि मतलब वो लोग भी मतलब प्यासे बहुत रहते हैं। आप देखिएगा, मैं अभी नहीं रखी हूँ लेकिन रखूँगी, और ऐसे पानी उनी गिरा रहता है तो मतलब कपड़ा वपड़ा धो के हम लोग जैसे करते हैं ना, तो वो पानी देखती हूँ कि चिड़िया लोग आके पीने लगता है, तो इसलिए रखना ज़रूरी है। और मेरा यहाँ बाल्टी में भी पानी भर के तो रखा ही रहता है, तो चिड़िया पी लेता है आके, लेकिन फिर भी मैं आंगन में रखूँगी एक तो बर्तन मंगा के, अभी रखी नहीं हूँ। और पौधे लोग भी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप अब तेज़ करेगा, तो इसीलिए। और ये देखिए दोपहर में तो बहुत धूप करता है, और यहाँ पे भी मैं एक नींबू का गाछ है यहाँ पे, तो मैं उसमें डाल दे रही हूँ, और एक टमाटर का है, मतलब जो भी है, तो मैं सोच रही हूँ सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ सुबह शाम, क्योंकि बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, इतनी मेहनत से मैं लगाई हूँ तो पानी तो नहीं फिरने दूँगी, पानी ही डालना है थोड़ा सा, तो फिर चलो डाल ही देते हैं, क्या बात है। तो बस शाम हो गया है इसलिए आप लोगों को अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, मतलब अब रात हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे अभी थोड़ा दिख रहा है इसलिए मैंने सोचा चलो पानी ही डाल देती हूँ। और बस कभी भी ये घर में ही हो तो क्या मतलब कभी भी पानी डाल दो, लेकिन रात हुआ नहीं है, रात में तो मैं नहीं डालती लेकिन दिन में डाल देती हूँ। और देखिए यहाँ अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद का पेड़ भी मतलब पानी डालते रहती हूँ इसलिए हरा भरा रहता है। तो बस अब मैं ये वाला वीडियो का तो मैं एंड कर रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ, इसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, और बहुत थोड़ा मेरा ज़्यादा मैं मतलब मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाई थी, तो यहाँ बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूल। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, थैंक यू, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया है, और बस अभी आई हूँ, तो बस अभी मैं चाय बना ली हूँ, तो चाय पीने जा रही हूँ, तो आप भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और कैसे हो आप सब, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है, तो आइए चाय पी लेती हूँ, और आप भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए।
तो बस मैंने चाय बना के और अभी बैठी हूँ चाय पीने के लिए। तो बाल वगैरह भी नहीं खा रहा, तो चलो कोई बात नहीं है, अभी सुबह सुबह टाइम ही कहाँ मिलता है जो बाल वगैरह जा रहे हैं। ये देखिए मेरी चाय। तो बस मैं और ये दूसरे दिन का मॉर्निंग का वीडियो है। तो बस मैंने थोड़ा मतलब उस टाइम रिकॉर्ड किया था थोड़ा मतलब इस फिर दूसरे दिन मैंने दूसरे दिन का है। तो बस अब मॉर्निंग का टाइम है तो बस मैंने अभी वीडियो चालू किया था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग से थोड़ी बातें भी हो जाएगी और फिर तो बस चाय पी लीजिए आप लोग भी आके। और तो बस मैं अब किचन में जाऊंगी चाय पी के। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा मतलब और मैं मतलब पूड़ी बना दे रही हूँ, पूड़ी भुजिया। तो ये देखिए मैं पूड़ी बेल रही हूँ और क्या कहते हैं पूड़ी और आलू की भुजिया मैं बनाऊंगी और नहीं तो फिर और कुछ बनाऊंगी यही। तो बस पूड़ी ही बना रही हूँ अभी। और ये पूड़ी में मतलब कि मैंने वो डाला है अजवाइन और काला, ये मतलब कचौड़ी टाइप का है, कचौड़ी बना रही हूँ, खास्ता है इसमें ओएम डाला है। तो मैंने वो सब सूट नहीं किया था आटा सानते वगैरह, तो ये जितना मतलब हो गया उतना मैंने कर लिया था। मैंने पता है सुबह सुबह मतलब बहुत भागा दौड़ी रहती है तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो ये देखिए मैं आटा दिखा दे रही हूँ, इसमें मतलब नमक और मतलब कि थोड़ा सा खास्ता करने के लिए तेल और घी मतलब जो भी है। और ये देखिए मेरी बन गई कचौड़ी और भुजिया। तो आज यही मैंने बनाया है सिंपल सा। और सब्जी मतलब सब्जी है लेकिन फिर भी मैंने यही बच्चों लोग बोल रहे थे कि बना दो तो बस बना दिए। और बस सुबह के टाइम बच्चों लोग जो बोलते हैं मैं वही ज़्यादातर बनाती हूँ, बहुत कम ही बनाती हूँ कि वो लोगों को अगर पसंद नहीं आएंगे। और आप भी आ जाइए, मतलब थाली लग गई है तो आप भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस मैंने यही बनाया है सिंपल सा आज का ब्रेकफास्ट, कचौड़ी और आलू की भुजिया, खास्ता कचौड़ी है। और लंच में देखिए मैं लंच बना रही थी तो थोड़ा सा मैंने वो लंच वाला भी थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो कड़ी बना है, कड़ी चावल मैं बना रही हूँ आज। तो कड़ी बन चुका है, ये पकौड़े वाली कड़ी है। तो ये वाली कड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आता है, वो बूंदी वाली इनको पसंद आता है ज़्यादा, बूंदी वाली ही ज़्यादा बनता है। आप तो देखिए मैं दिखाती ही हूँ और ये वाला बहुत कम बनता है। तो मैंने मुझे मतलब आज मैंने यही कड़ी बनाया है। और ये देखिए मतलब कि और आलू की भुजिया भी है और चावल भी बन गया है। तो आ जाइए और गर्मा गर्म एकदम खाना तैयार हो गया है तो अभी हम लोग खाएँगे। और ये देखिए कड़ी, ये देखिए मैं लेके बैठ गई हूँ कड़ी चावल और पकोड़े और ये क्या कहते हैं आलू की भुजिया भी है। तो थोड़ा सा आलू की भुजिया का ऐसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरा फेवरेट है कड़ी चावल। तो और ये वाला कड़ी मेरा फेवरेट है तो मैं ये वाला कड़ी और चावल मतलब खा लूँगी ऐसे ही, सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं मतलब कि खाने चालू करती हूँ। तो पहले आप लोग को खिला लेती हूँ, ये लीजिए चख लीजिए आप लोग भी और बताइए कि कैसा लगा मतलब कड़ी चावल, और मेरे हाथ का कड़ी चावल कैसा लगा ये बताइएगा, टेस्टी लगा ना। तो चलिए हम लोग का लंच वगैरह हो गया है और अभी मतलब 5 बज गया है तो शाम हो गया अभी। और ये देखिए मेरा मिठू देखिए मेरा। तो अभी मैं इसे अंदर ले जाऊंगी, ये देखिए कैसे बोल रहा है, क्या हुआ मिठू। और ये देख सकते हैं आप लोग पीछे हैं। और अभी मैं इधर जा रही हूँ कपड़ा देखने के लिए, तो अभी कपड़ा उठाए नहीं है, उठाएंगे अभी। और लंच हो गया है तो बहुत मतलब कि लंच हो गया और सारा काम भी मैंने कर लिया है जैसे कि, और तैयार भी हो गई हूँ, बाल वगैरह झाड़ ली हूँ। तो सुबह में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है तो बाल वगैरह झाड़ने के लिए, मैं ऐसे ही रह जाती हूँ दिन भर और फिर बाद में झाड़ लेती हूँ जैसे कि दोपहर में या फिर जब टाइम मिलता है तब। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी झाड़ना है, सब कहीं जाना रहता है तो झाड़ लेते हैं लेकिन नहीं अभी तो नहीं झाड़ रही। और ये देखिए कैसे आ जाता है सामने। तो चलिए ठीक है,
और मेरा मिट्टू यहाँ पे टंगा हुआ है और मैं ले जाती हूँ अंदर। ना ऐसे हो ही नहीं सकता है, बहुत ही शोर करने लगा है, तो मैं थोड़ा बना ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं शाम को और सुबह में हूँ, यहाँ पे वो रहता ही रहता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे टांग देते हैं थोड़ा सा, शाम को थोड़ा हवा हवा लग जाता है। और वीडियो का एंड करती हूँ, और पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज मतलब मैंने बनाया था कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और बहुत दिनों के बाद बनाया था तो बहुत टेस्टी भी बना था, और ये इस तरह का कढ़ी मुझे पसंद आता है ज़्यादा। और वो बूंदी वाला कढ़ी भी हम लोग हमेशा बनाते हैं, लेकिन मतलब उतना पसंद नहीं आता है, कम पसंद आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मतलब कि मतलब झटपट बन भी जाता है। तो आज मतलब ये वाला बहुत दिन के बाद बना था, तो इसलिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मैंने कढ़ी चावल, चावल भी बहुत कम बनता है, तो इस आज बन मतलब चावल भी बनाए थे और कढ़ी भी, तो बहुत टेस्टी लगा था। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो लगा। और चलिए तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ, और पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। इनके थोड़े थोड़े वीडियो थे तो दोनों मैंने जोड़ दिया है, और फिर उसके बाद तो चलिए ठीक है, बाय।